मैंने आपको इन पीस के बारे में तो बता दिया, इन पीस के बारे में सारे ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, सब कुछ बता दिया, और उसमें थोड़ा मोड़ा कुछ काम भी करके दिखा दिया कि बुक वर्क हो तो कैसे करते हैं, बुक वर्क का काम कैसे किया जाता है, मास्टर पेज वगैरह और पेज नंबरिंग वगैरह और इंडेक्स वगैरह सारा चीज़ मैं बता चुका हूँ, मोस्टली मैं सब कुछ बता दिया, और जैसे जैसे आगे ज़रूरत पड़ेगी मैं बताता रहूँगा। और अब बारी है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ इस तरीके की हेडिंग, जैसे आप देख रहे हैं ना, जैसे ये हेडिंग बनाना है, जैसे आपको पोस्टर बनाना है, बैनर बनाना है, कैलेंडर बनाना है, लेटर हेड बनाना है, या कि इससे रिलेटेड और भी कोई चीज़ बनाना है, किताबत के अंदाज में हेडिंग आप कैसे बनाएंगे, इसको कैसे आप डेकोरेट करके बनाएंगे, ये बड़े ही काम की चीज़ है अगर आप इस फील्ड में हैं, तो बहुत ही काम की चीज़ है, ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है कि आप देखते रहेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल अभी फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको ये पता चलता रहे कि कौन सी वीडियो अब आ रही है। ठीक है, तो अब हम आपको दिखाते हैं कि इस तरीके की हेडिंग बनाना हो तो कैसे इन पेज का सारा लेकर के हम कोरल में बनाते हैं, किस तरीके से बनाएंगे आप ये देखिए। आप इसमें देखेंगे ना, ये देख रहे हैं, ये लिखा हुआ मदरसा इस्लामी फैजान फातिमा फातिमा, ठीक है ना, और ये हेडिंग मैंने ही बनाया किताबत के अंदाज में, ये भी हेडिंग मैंने ही बनाया, लेकिन ये जो दो हेडिंग है, ये दो हेडिंग मैंने बनाया कैल्क सॉफ्टवेयर में, उसके बारे में अभी मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया है, इसके बारे में भी आपसे मैं डिस्कस करूंगा, बताऊंगा उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे, और जैसे ये लिखा हुआ है मदरसा इस्लामी फैजान खदीजतुल कुबरा लिल बनात, ठीक है ना, तो ये किसने किया गया है, ये इन पेस्ट किया गया है, जैसे यहाँ पे जो लिखा है अल जामतुल अहमदिया ज़हीरुल उलूम, और जैसे लिखा है गौसे आजम किताब घर, गौसे आजम व मदारे आजम कॉन्फ्रेंस, मदरसा फैजान गौसिया, ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, इस तरीके से जो हेडिंग लिखी जाती है वो कैसे लिखी जाती है ना, कैसे बनाया जाता है, ये सब आप नॉर्मली टाइप तो कर लेंगे, लेकिन ये सब बनाना, ये सब डेकोरेट करना, कैसे कहाँ पे क्या रखेंगे, ये सारी सावधानियां सब कोई नहीं जानता है ना, हर कोई ये सब बातें नहीं जानता है ना, कोई सिखा सकता है ये सब बातें, तो आप मेरे चैनल पे ये सारी बातें जरूर पाएंगे, और टाइम टू टाइम मैं इस तरीके की टिप्स आपको देता रहूंगा, बताता रहूंगा, बशर्ते आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए बस। अब जैसे लिखा हुआ है, ये कुरान शरीफ की आयत है, ये मैंने बनाया था, जैसे टाइल्स होती है ना, टाइल्स पे प्रिंट करने के लिए मस्जिद में लगने वाली थी, तो टाइल्स में प्रिंट करने के लिए ये सारी चीजें मैं बनाया था, है ना, इन सलात तनहा अनिल फहशाय वल मुनकर, ठीक है ना, और वाकिमु सलाता व तु ज़कात वरकउ मअर राकीन, ठीक है ना, ये सारी चीजें ये कैल्क में बनाया गया है, ये भी जान लीजिए कैल्क में बनाया गया है, ये कैसे बना गया ये भी आप देख लीजिए, इसकी बारी आएगी, इसके बारे में भी डिटेल से बताऊंगा, बतकरीब शादी खाना आबादी, ठीक है ना, ये सारी चीजें बड़े काम की चीजें हैं, रोजमर्रा काम आने वाली चीजें हैं, है ना। तो अब आप देखिए इसमें से मैं क्या बना के दिखाऊं आपको, क्या बना के दिखाऊं, चलिए मैं ये बना के दिखाता हूँ आपको, गौसे आजम किताब घर, ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम इन पेज में, तो अब मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, ये वाला टूल लेकर के, ये टेक्स्ट टूल लेकर के, ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर हम ड्रैग करते हैं और हम F8 कर रहे हैं, ठीक है ना, F8 किया मैंने इसको सेंटर में लाके। और हाँ एक चीज मैं और बता दूं इन पेज के बारे में, कि इन पेज जैसे ये पेज है, पेज को हमें मूव करना है, इधर उधर लेके जाना है, तो कैसे मूव करते हैं ये ध्यान रखिएगा, कंट्रोल प्रेस करेंगे और माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे, ठीक है ना, ये तो हैंड टूल आ जाता है, इससे आप इधर उधर पेज को कर सकते हैं, ये बड़ी सहूलियत मिल जाती है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, गौसे आजम किताब घर, देखिए गौसे आजम, गौसे आजम किताब घर, अब इसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल ए किया, और इसमें जो फोन लगा हुआ है वो मैंने कर दिया फैज नस्तालिक, ठीक है, फैज नस्तालिक मैंने लगा दिया। अब हम क्या करते हैं, मेरा अपना अंदाज, मेरा अपना तरीका क्या होता है कि मैं करता हूँ, यहाँ चलता हूँ, करनी में चलता हूँ, मैं यहाँ करता हूँ ऑलवेज, ऑलवेज किया, ऑलवेज जब किया मैंने तो देख रहा हूँ ये सारे के सारे ये कशिश में हो गए, लेकिन हर चीज हमें कशिश में नहीं चाहिए, हमें ये देखना होता है कौन सा अल्फाज कशिश में होना चाहिए, कौन सा अल्फाज नहीं होना चाहिए। तो मेरा अपना तरीका क्या होता है, मैं क्या करता हूँ, इसकी भी कॉपी ले लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ मैंने कॉपी ले लिया, इसको सिलेक्ट करके इसको नॉर्मल कर दिया, यानी कर्निंग हमने नॉर्मल कर दिया, ठीक है। अब इसको जो है ना क्या करेंगे, हम इसको ईपीएस बनाते हैं, यहाँ हम ईपीएस बनाए, ठीक है, और ओके किए, ओके करने के बाद अब यहाँ से हम इसको लेके चल रहे हैं, इसमें इंसर्ट करेंगे। अब इसमें हमने क्या कर रखा है कि ये जो किताब लिखा है, ये ते जो है ना, ते अलिफ जो लिखा है, ये ज्यादा कशिश में है, इस कशिश की जरूरत नहीं है, ना बे की जरूरत है, मतलब कशिश की, ना घर की जरूरत है ना। तो आप जो है क्या करेंगे, ये गौस का ये जो से है इसको आप रहने दीजिए, इसे
इसको आप ले सकते हैं। और ये आजम और ये किताब घर जो लिखा है, किताब घर नॉर्मल ले लीजिए। हमने क्या किया, इसको हम लेके आए, अली को लेके आए यहाँ पर, और इसको लेके आए हम यहाँ पर, इतना किए। इसको हम कहीं ऐसे बाहर रख लेते हैं ताकि सही से दिखाई दे। अब यहाँ देखेंगे ना, ये जो सी का नुकता है, ये जो इसमें टच कर रहा है, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ कर देंगे ब्रेक अपार्ट करेंगे, ये क्योंकि इसके साथ में जुड़ा हुआ है, ब्रेक अपार्ट करेंगे तो कभी कभी होता है ये छुप सा जाता है, तो यहाँ ऐसे सिलेक्ट करके ये लिखा ऑटो क्लोज, इस पे कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब इन तीनों को सिलेक्ट करके ना थोड़ा सा इधर ले लेंगे तब भी चलेगा, या इसको जो है थोड़ा सा और इधर ले लेंगे, और इसको थोड़ा और इधर ले लेंगे तब भी ये चलेगा। और एक गाइडलाइन ले लीजिए ऊपर नीचे ना, गाइडलाइन ले लीजिए ताकि बहुत ज्यादा ऊपर नीचे ना होने पाए, तो अच्छा लगता है देखने में। यहाँ ये पोर्शन हमने बना दिया, अब हमें क्या करना है, किताब घर लेना है। किताब हम यहाँ से उठाते हैं। अब यहाँ भी जैसे कम समझ में आए तो यहाँ आप देख लीजिए किस तरीके से बनाया गया है, किताब थोड़ा सा छोटा करके इसको हल्का सा छोटा बड़ा करके इसको ऐसे इस तरीके सेट करके देखा जाता है। और इसको भी हल्का सा क्या करते हैं, इसको बे को हल्का सा बहुत बराए नाम इसको छोटा कर दिया। फिर इसको यहाँ से ये बे का जो नुकता है इसको हटा करके इसको हम थोड़ा सा साइड में रख देंगे, ठीक है ना, ये हो गया। अब है क्या, घर लिखा हुआ है, घर को क्या करेंगे, इसको ऐसे लेंगे यहाँ पे ले जाके पेस्ट कर देंगे, ठीक है ना, ये इस तरीके से बनके तैयार हो गया। अगर आपको लगे ये अलिफ जो है ना, अलिफ जो है थोड़ा सा छोटा है, तो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए। ऐसे ये शेप टूल ले लिया मैंने, शेप टूल लेने के बाद ऐसे सेलेक्ट करके हल्का सा ऐसे जो है ऐसे बड़ा कर दिया, ठीक है, और इसको यहाँ कर दिया, है ना, ये मोस्टली बिल्कुल परफेक्ट जो है बनके तैयार हो गया। अब इसमें जो है ना थोड़ा सा एराब लगा देंगे, थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे। डेकोरेट करने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए कि ये बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, डेकोरेटिव एलिमेंट, जैसे ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, ये है, ये है, ये सारी चीजें आएंगी कहाँ से, तो ये एराब लगाने के लिए कुछ चीजें ना यहीं से मिल जाती हैं, यानी इन पेज से ही मिल जाती हैं, जैसे जबर है, जज़म है, तस्दीद है, पेश है, ये सारी चीजें ना टाइप करते वक्त जो है यहीं से हम थोड़ा सा टाइप कर लेंगे, और फिर इसको जो है इंसर्ट करके यहाँ लेके जाएंगे, तो इस जबान वगैरह यहीं से लगा देंगे, यहीं से ले लेंगे, ठीक है ना। तो और उसके अलावा भी जैसे देख रहे हैं, ये एक एलिमेंट है, ये है, ये है, ये सारी चीजें कहाँ से मिलती हैं, तो ये सारी चीजें मैं क्या किया था शुरू शुरू में, मैं काफी दिनों से काम कर रहा हूँ ये सारी चीजें, तो इस तरीके के एलिमेंट बहुत सारे हैं मेरे पास है। तो इसके लिए क्या तरीका है, जैसे आप कहीं पे एक पोस्टर पा गए, ठीक है ना, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इधर कहीं से भी मिल गए, उसकी हेडिंग ट्रेस करना है। और हेडिंग ट्रेस करने के लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। और हेडिंग बनाने के लिए जैसे कोई पोस्टर आपको मिल गया कहीं से, कुछ कोई डिजाइन मिल गई, उसकी आपको हेडिंग बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, जैसे एक ये पोस्टर है, पोस्टर से हेडिंग निकाला गया है, और ये भी ट्रेस करके निकाला गया है, ये भी निकाला गया है, तकरीबन तीन वीडियो है, तीनों देखेंगे एकदम क्लियर हो जाएगा कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो उसमें कुछ एराब लगे होते हैं ना, तो ये सारी चीजें मिल जाती हैं वहीं से, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये है, ये है, ये है, इस तरीके के एराब जो है ऐसे वहीं से मिल जाते हैं। और हाँ, कुछ चीजें और मैं बताता हूँ, ये चीज कहाँ से और मिलता है, तो एक फॉन्ट है जो कि उस फॉन्ट से हमें कैलीग्राफी में उसके एराब वगैरह लगाने में काफी मदद मिल जाती है हमें। आप ये देखिए कौन सा फॉन्ट है, ये लिखा हुआ है आगा इस्लामिक फ्रेजेस, आप यहाँ जाएंगे, ठीक है ना। अब इसका साइज बढ़ा लीजिए थोड़ा सा, साइज बढ़ाने के बाद जैसे ए प्रेस किया तो ऐसे आ गया अरे सलाम, बी में एस प्रेस किया तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सी किया और डी किया तो रज़ी अल्लाह तआला, इस तरीके से जो है ना बहुत सारी चीजें इसे आती जाती हैं। ये इस तरीके से बहुत सारे इसमें वर्ड लिखे हुए हैं जो कि हमारे बहुत रोजमर्रा काम आने वाली चीजें हैं ये सब। तो हम इसको क्या करेंगे कि हम देखते हैं कि इसमें कुछ एराब ले लेते हैं, जैसे इसमें देखेंगे आप कि लगा हुआ है, जैसे ये है जज़्म है, और ये तस्दीद है, खड़ा जबर है, या कि ये इस तरीके से एक एराब बना हुआ है, और जैसे छोटा सा मीम हो गया, ये सौद हो गया है ना, ये सारी चीजें हो गई, ये सीन हो गया, सीन को शो करना है, ये इस तरीके से अगर लेना है हमें, या जबर हो गया तो, या पेश हो गया, ये सब ये सारी चीजें यहाँ से हमें मिल जाती हैं। अब इसको कैसे निकालेंगे ये देखने वाली चीज है, तो इसको हमने किया कंट्रोल के, कंट्रोल के किया, तो यहाँ पे हम क्या क्या किया कि कंट्रोल क्यू दिया मैंने, ठीक है, इसको कंट्रोल क्यू कर दिया, ये बिल्कुल एक एलिमेंट हो गया, मतलब एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल के करते हैं, कंट्रोल के किया तो कंट्रोल के करने से क्या हो गया, ये सारी चीजें अलग अलग हो गई, ये आप ऐसे ऐसे करके ये कोई भी चीज यहाँ से आप उठा सकते हैं ये, ठीक है ना। अब जैसे कभी हमें अरबी इबारत ना, जैसे अरबी में सुलुस फॉन्ट होता है, उस ये सुलुस अंदाज में लिखा गया है,
तो उसमें अगर हमें कोई हेडिंग वगैरह बनाना है तो उसके लिए बहुत अच्छा ये एलिमेंट होता है, ये सब यूज कर लिया जाता है, उसमें बहुत बढ़िया काम में आ जाता है। अब जैसे ये हे है, जो चश्मी है, इसको सेलेक्ट करके हमने कंट्रोल एल कर दिया, तो इसका शेप बन गया, पूरा सही से हो गया। हमने कंट्रोल के किया था इसलिए वो खराब हो गया था। तो यहाँ से आप ले सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। और जैसे ये सारी चीजें, ये तो बता ही दिया, यहाँ से ले सकते हैं। जैसे पेश है, पेश को यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन ये जो है ना खत का तरीका अलग अलग होता है, तो ये हर जगह इसको नहीं यूज कर सकते। यानी आपको नस्तालिक फॉन्ट में, जैसे फैज नस्तालिक वगैरह है, नस्तालिक फॉन्ट में ये सारी चीजें नहीं यूज कर सकते। कहीं कहीं भी यूज भी कर लेते हैं, लोग इतना ज्यादा बारीकी नहीं जाते हैं, कहीं कहीं भी यूज भी कर लेते हैं। मैं भी किताबत नहीं सीखा हुआ है, मैं आपको बता दूं, मैं किताबत नहीं सीखा हुआ, और किताबत की जो बहुत सारी बारीकियां होती हैं जो कातिब लोग जानते हैं, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। हो सकता है कि कहीं पे मैं गलत हूँ, कहीं पे हो सकता है मुझसे कोई गलती भी हो रही हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अभी तक जो भी मैं काम करता हूँ, किसी ने मेरे काम में अभी तक कोई गलती नहीं निकाला कि यार ये गलत है, ये गलत तरीका है, ये ऐसे नहीं किया जाता। अभी तक किसी ने भी नहीं बताया, किसी ने भी कहा है। यहाँ तक कि मैं इस तरीके की हेडिंग बना करके मैं जो कातिब लोग हैं ना उनको भी बहुत सारी चीजें मैं दिखाया हूँ कि हजरत ये देखिए ये सही है कि गलत है, किताबत के नुक्ते नजर से ये सही है कि गलत है। तो उन्होंने भी बताया कि हल्की फुल्की मिस्टेक बताया कि हाँ ये ऐसे नहीं ऐसे कर दो, बाकी बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। तो इसलिए करते करते मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है, इतना अंदाजा हो गया है कि मैं हेडिंग वगैरह ऐसे बना देता हूँ, ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे किताबत है। ये सुरुस फॉन्ट में ये सारी चीजें यूज की जाती है, नस्तालिक में उतनी ज्यादा नहीं यूज की जाती है। नस्तालिक में हम ये सारी चीजें ले लेते हैं, जैसे ये डेकोरेटिव एलिमेंट है ना, ये डेकोरेटिव एलिमेंट हम यूज कर लेते हैं, बाकी कोई चीज यूज नहीं करते इसमें से। और ये है कहीं कहीं पे हम इसको भी यूज कर लेते हैं कहीं कहीं ये भी ले लेते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा अच्छा लगता है, हर कोई जानता नहीं, हर हर किसी को पता नहीं होता है इन इन बारीकियों के बारे में, तो मैं कहीं कहीं भी यूज भी कर लेता हूँ। तो बहरहाल, तो जैसे ये हो गया, अब इसको ले लिए यहाँ से, ठीक है ना, इसको ले लिए और इसको ले लिए, अब दो ही चीज लेके चलते हैं। एक चीज और रही, जो ये पोर्शन है ना, ये जो बना हुआ है, ये कहाँ से मिलता है, ये हम कैल्क यूज करते हैं ना, कैल्क में एक फॉन्ट है, उस फॉन्ट के साथ ये आता है। और वैसे भी ना, जैसे मैंने बताया कि किताबत वाली हेडिंग कहीं आपको मिल गई, पोस्टर वगैरह मिल गया, वहां से आप ट्रेस करेंगे ना, उसमें भी ये सारी चीजें मिल जाती हैं, वहां से भी ले लेंगे आप। तो ज्यादातर मैं यहीं से ले लेता हूँ, कुछ है मेरे पास पहले से, कुछ यहाँ से ले लेता हूँ आगा फोन से। तो यहाँ से मैं जबर ले लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये नस्तालिक अंदाज में जबर है और उसमें जो जबर बना है वो सुलुस अंदाज में है। इन चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, सुलुस क्या होता है, नस्तालिक क्या होता है, या फोन की स्टाइल है। बस सुलुस जो होता है अरबी फोन होता है और नस्तालिक जो होता है उर्दू होता है। तो यहाँ से थोड़ा सा इसको हमने छोटा कर दिया, इसको हौस पे जो है ऐसे लगा दिया थोड़ा सा। यहाँ पे हमें एक जज़्म चाहिए, यहाँ से लेके आए, उठा के रख दिए, आज़म किताब, किताब के लिए फिर यहाँ पर भी हम थोड़ा सा जेर लगा सकते हैं, किताब, और वो अलग नहीं मिल रहा है तो यहीं से हम कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ से लगा देते हैं, ठीक है ना। ये आपका बन गया, और ये जो है इसको कहीं इधर उधर जो है, जैसे यहाँ पे खाली जगह है यहाँ पे आप लगा दिए, थोड़ा छोटा करके, बहुत ज्यादा हाईलाइट भी ना हो, नहीं तो अच्छा नहीं लगता है। और इसको एक यहाँ लगा दीजिए, और जैसे ये है इसको आप यहाँ भी लगा सकते हैं, ये यहाँ लगा दीजिए, इसमें भी फिल कर सकते हैं, और ये वाला पोर्शन आप यहाँ भी लगा सकते हैं, उसमें शायद नहीं लगाया लेकिन यहाँ भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए आपकी हेडिंग जो है ये मोस्टली बनके तैयार हो गई, ठीक है ना, बिल्कुल किताबत के अंदाज में, कितना प्यारा लग रहा है। कहीं आपको कातिब की जरूरत नहीं पड़ी, कहीं किताबत करवाने की जरूरत नहीं पड़ी, आपका 1 रुपया लगा नहीं, है ना, लेकिन हेडिंग बनके आपकी तैयार हो गई। इसी तरीके से ये सारी हेडिंग्स बनाई गई हैं, जैसे ये है, इसी तरीके से एक गाइड ऐसे ले लेंगे, आप देखिए ना ऐसे गाइड ले लेंगे, ऐसे लगा लेंगे, पहले आप टाइप करके यहाँ पे रख लीजिए, ऐसे करके रख लेते हैं, रखने के बाद एक एक करके ऊपर नीचे ऐसे ऐसे जैसे आपको सही लगे ऐसे करके चले जाइए। इस तरीके से मैं हेडिंग बना देता हूँ, लोग देखते रह जाते हैं, ऐसी ऐसी हेडिंग होती है। अब जैसे यही आप देख लीजिए, कोई कहेगा नहीं कि ये जो है कंप्यूटर से बनाया गया है, लोग कहेंगे यार किताबत किया गया है, जामिया राबिया बसरिया, ठीक है ना, बिल्कुल किताबत के अंदाज में है या नहीं आप खुद ही सोच सकते हैं, आप इस फील्ड में हैं तो आप खुद सोच सकते हैं। जैसे ये है, यही है सुलिस फॉन्ट, सुलिस फॉन्ट यही है, इसे लिखा मदरसा, मदरसा इस्लामिया फैजाने फातिमा। अब आप देख सकते हैं कैसे बनाया गया, जैसे ये सब डेकोरेटिव एलिमेंट है ना, ये जो है जो चश्मी है, ये मीम है और ये सीन है, ये सारी चीजें मैं यहीं से ले रखा हूँ, आगा फॉन्ट से ही ले रखा हूँ। और ये जो जबर है, जबर भी यहीं से ले रखा हूँ, कहीं भी जरूरत पड़ती है छोटा जबर लगाने के, छोटा कम स्पेस है छोटा सा लगा दिए, ज्यादा स्पेस है बढ़ा दिए थोड़ा सा, थोड़ा अच्छा लगता है, ये खूबसूरती आ जाती है देखने में। जैसे ये है ना, इस तरीके के मेरे पास बहुत सारी चीजें बनी हुई, बहुत सारी चीजें। तो जैसे ख्वाजा गरीब नमाज, ये भी वहां से लिया हूं मैं, कैल्क से ले रखा हूँ, और ये भी कैल्क से ले रखा हूँ, और ये है, ये इन पे से ही है।
अच्छा लगा होगा आपको। उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, इसी के साथ शुक्रिया, थैंक यू।